वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम एकता। और आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मेकअप प्रोडक्ट का रिव्यू। तो ये मेकअप प्रोडक्ट को मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लाइक 1 ईयर हो गया है ऑलमोस्ट, और मैंने इसको फिनिश नहीं किया। जान के मैंने फिनिश नहीं किया क्योंकि मुझे इसका रिव्यू देना था आपके सामने, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रही थी। और वो है ये वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस नेचुरल फिनिश सेटिंग स्प्रे। सो दिस इज़ दी मेकअप फिक्सर, कि वेट एंड वाइल्ड ब्रांड का है। और वेट एंड वाइल्ड ब्रांड अगर आप जानते हो, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल ड्रग स्टोर ब्रांड में से मानी जाती है। तो आज मैं इसका फुल डिटेल में रिव्यू करूँगी कि ये मेकअप फिक्सर मुझे पसंद आया कि नहीं, और ये कैसे यूज़ करते हैं, और बाकी सब सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में छोटी सी बेल बटन होगी उसको भी हिट कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। ये वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हैं आप। एंड इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आल्सो, क्योंकि मैं वहाँ पे मस्त मस्त फैशन स्टाइलिंग से रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइज मैं इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ। ये है वाइट कलर की प्लास्टिक स्प्रे बॉटल, जो कि पंप स्प्रे बॉटल है, उसमें आता है। सामने लिखा हुआ है ये वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस नेचुरल फिनिश सेटिंग स्प्रे। इसका जो नेट कंटेंट है वो है 45 ml, और इसका प्राइस है गाइस 599 rupees, लेकिन इस पर कहीं भी मेंशन नहीं है कितना प्रोडक्ट है। उन्होंने ये मेंशन कर रखा है लेकिन इन लोगों ने प्राइस मेंशन नहीं कर रखा। और यहाँ पे लिखा हुआ है शेक वेल बिफोर यूज़, और ये है ऑल डे वियर। अब आ जाते हैं इसका मेन पार्ट गाइस, जो मेन पार्ट जिससे मुझे सख्त नफरत है वो है इसकी नोज़ल। सो दिस इज़ हाउ द नोज़ल लुक्स लाइक। एंड आई डोंट नो गाइस, जो मेकअप सेटिंग स्प्रेज होती हैं वो इवनली स्प्रेड करती हैं आपके फेस पे जो प्रोडक्ट होता है उसको, लेकिन इतना वियर्डली स्प्रे करती है ना ये, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। और अगर मैं सामने से करूँगी तो सिर्फ सामने सामने यहाँ पे हो जाएगा, इधर इधर बिल्कुल नहीं होगा। और इसके ऐसे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं गाइस, जो कि बिल्कुल भी लाइक ऐसा लगता ही नहीं है कि इवनली स्प्रेड फाइनली स्प्रेड किया हुआ है। पता नहीं ये मेरे ही पैकेजिंग के साथ हुआ या फिर इसकी पैकेजिंग ही ऐसी है, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ पैकेजिंग है। एंड दिस इज़ द वन थिंग आई रियली हेट अबाउट दिस प्रोडक्ट गाइज। सो गाइस मार्केट में ये अवेलेबल है 2 वर्जन में, एक है जो नेचुरल फिनिश देता है, एक है मैट फिनिश देता है। तो मैट फिनिश वाले की जो पैकेजिंग है वो ब्लैक कलर की है, नेचुरल फिनिश वाले की वाइट कलर की पैकेजिंग है, जो कि मेरे पास है। अगर आपको ड्यूई स्किन चाहिए तो आप ये वाला मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कीजिए, उससे आपको बहुत अच्छी ड्यूई फिनिश मिलेगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल मैट फिनिश चाहते हैं, अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो वाला यूज़ कीजिए। दोनों में 100 rupees का अंतर है, वो 699 rupees का है, ये 599 rupees का है। इसका मैं लिंक दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर लेना। और डिस्काउंट चलता रहता है अच्छा खासा, नायका पे डिस्काउंट नहीं है अभी, अमेजोन पे होगा तो मैं देख लूंगी और आपके लिए लिंक छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइज इसका पूरा नाम है वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस नेचुरल फिनिश सेटिंग स्प्रे सील द डील। तो गाइज ये बिल्कुल नेचुरल फिनिश देता है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, और ये फोटो फोकस है, यानी कि आप फोटोज़ वगैरह लेते हो, आप वेडिंग्स में जाते हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। की इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो गाइज इस बॉटल पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि की इंग्रेडिएंट्स कहाँ पे हैं या फिर ऑल इंग्रेडिएंट्स। और ये जो पैकेजिंग है ऐसी ही आई थी, कोई भी आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग नहीं थी, तो वो भी देनी चाहिए थी इनको, क्योंकि फिर उस पर हम देख सकते थे इसके इंग्रेडिएंट्स और बाकी डिटेल्स, क्योंकि इस पर ज़्यादा डिटेल्स उन लोगों ने मेंशन नहीं किए, इवन प्राइस भी। इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो इसकी फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एज़ कंपेरिजन टू अदर मेकअप सेटिंग स्प्रेज जो कि मैंने यूज़ किए हैं पास्ट में। उनकी जो स्मेल होती है ना वो थोड़ी सी केमिकली होती है ज़्यादा, लेकिन इसकी नहीं है, काफ़ी
ज़्यादा सूदिंग लगती है, माइल्ड लगती है, लेकिन अगर आप अप्लाई करते हो उसके 15 सेकेंड बाद ही वो चली जाती है। सो गाइज, अब आ जाते हैं यूसेज पे। मैं जब भी यूज़ करती हूँ इसको, सबसे पहले बोला है इसमें कि शेक करना चाहिए, उसके बाद आप इवनली स्प्रेड कर सकते हैं इस पे। लेकिन जो एक काम है इस प्रोडक्ट का कि इवनली स्प्रेड करे और मेकअप सेट करे, वो काम इससे नहीं होता। और हाँ, मैं अपने पूरे फेस पे अगर मैं एक दो बार अप्लाई कर दूँ ना, तो एक दो बार में तो बिल्कुल भी नहीं निकलता है प्रोडक्ट, सिर्फ एक दो ड्रॉपलेट्स निकलेंगी और बहुत ही अजीब तरीके से निकलते हैं गाइस। पता नहीं, इसके नोज़ल में बहुत ज़्यादा झोल है गाइस, मैं आपको बता रही हूँ। मैं पता नहीं कैसे यूज़ कर रही हूँ इसे, एक साल हो गया गाइस, तो आप सोच सकते हैं मैं ना अवॉइड करती हूँ इसको यूज़ करना, क्योंकि ये अच्छे से मेकअप को सेट ही नहीं करता है। एक तरफ सेट कर देगा, दूसरी तरफ सेट नहीं करेगा, फिर मुझे 3-4 बार इसको अप्लाई करना पड़ता है। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से, अगर आपको पता चले तो, अगर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही अजीब तरीके से स्प्रे करता है। और गाइज, मेरा काफ़ी ज़्यादा सेटिंग स्प्रे बर्बाद हो गया। इससे भी अफोर्डेबल मेकअप सेटिंग स्प्रे हैं मार्केट में, और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरीके से वो वर्क करते हैं, आपका बहुत अच्छी तरीके से मेकअप सेट करते हैं। मेकअप सेट करने की बात आती है ना, और फिनिशिंग की बात करती है, ये बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे फेस को काफ़ी अच्छी नेचुरल फिनिश देता है ये, और ड्यूई फिनिश देता है, तो मेकअप को सेट बहुत अच्छी तरीके से करता है। लेकिन इसकी जो पैकेजिंग है ना, इसका मैकेनिज्म मुझे बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ लगा, इसकी वजह से मैं शायद इसे दोबारा से यूज़ ना करूं। लेकिन आप अफोर्डेबल रेंज में अगर कोई चाह रहे हो कोई अच्छी ब्रांड से मेकअप सेटिंग स्प्रे, तो मैं ज़रूर आपको बोलूँगी कि एक बार ट्राई करके देखो, क्या पता मेरी ही पैकेजिंग में ऐसी कोई दिक्कत है, दूसरों की पैकेजिंग में ना हो। सो गाइस, यही था इस प्रोडक्ट का रिव्यू। उम्मीद है आपको मेरा ये रिव्यू इस प्रोडक्ट का हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हैं आप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं आप मुझसे, मैं सबके रिप्लाई देती हूँ आराम से, तो अगर कोई डाउट हो तो उसमें पूछ लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है अलग से, वो भी आप मुझे बता देना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं खरीद के यूज़ करके देन मैं आपके सामने उसका रिव्यू भी लेके आऊँगी। प्रो इस प्रोडक्ट का बस यही है कि ये एक नेचुरल फिनिश देता है, अच्छे से मेकअप सेट करता है अच्छे से, और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक मेकअप सेट कर देता है, 3-4 घंटे तक आराम से। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कॉन है वो है इसकी पैकेजिंग, इसकी नोज़ल। ये प्रोडक्ट अच्छी तरीके से स्प्रे ही नहीं करता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसका जितना भी प्रोडक्ट रह गया है ना, वो मैं किसी और स्प्रे बॉटल में कर लूँ जो कि इवनली स्प्रेड करती हो, क्योंकि ये बॉटल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट गाइज, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।